हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिकनिक लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज डिनर में बनने वाला है रोटी। तो अभी मैं आटा को जो है ना वो गूंद ले रही हूँ, और आज जो है ना हमारा आटा भी ख़त्म हो गया था, तो फिर वो लेके आए हैं। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो परफेक्ट हो ही जाता है। भले ही मुझे आटा गूंदना ना आए, लेकिन ना फिर लास्ट में काफ़ी अच्छा हो जाता है। मेरा गला बहुत सोना सा है, क्योंकि जो है ना मंगलसूत्र टूट गया है। देखो जीरा, देखो वेस्ट कर दिया इस लड़के ने। मैंने बोला कि अच्छे से देना करके, तो फिर से मैंने अगेन उसके हाथ में थोड़ा सा जीरा दिया, और फिर उसने अपने हाथों से उछाल के फेंका। इससे क्या होता है ना कि बच्चे अगर बात ना करें, तो फिर इसे जीरा डालने से बच्चे बात करना सीख जाते हैं। अगर तेल के ऊपर बच्चे के हाथ से छोका लगाए, तो जीरा का छोका लगाए तो। आज हमने जब मैं मायके गई थी, तो एक भैया थे, तो उन्होंने भी बोला था कि हमारे अंदर ना, मतलब वो पंजाबी है, तो वो भैया बोल रहे थे कि हमारे अंदर क्या ना बतासा देते हैं मामा लोग, या फिर जूते से पता नहीं क्या कुछ बोला था, मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, हम वो भी करके देखेंगे। देखो अच्छा चीज़ बोला है तो करना तो पड़ेगा ही ना। अब माधव फिर जल्दी बोलने लगेगा। बोला है उस भैया ने कि अगर ऐसा करोगे तो फिर बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं, और देखते हैं अभी क्या होता है। सब कुछ ट्राई करके देखेंगे। लेकिन उसको ना सब कुछ बोलना आता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। मतलब शैतानी में ध्यान रहता है उसका, तो इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। शैतानी सारे कर लेता है, समझ में उसको सब कुछ आता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको सब पता है, लेकिन ना उसको बोलना नहीं है। उसको उस टाइम खेलना होता है। हम लोग उसको बुलवाते हैं, पापा मम्मी सब कुछ बोलता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम नहीं बोलता है। ये चीज़ बहुत दिक्कत करता है। और कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो स्पष्ट नहीं होती है, एकदम शुद्ध नहीं होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है माधव का। देखो बहुत लोग बोलते हैं जिनका बच्चा सी सेक्शन में होता है, थोड़ा बहुत होता है। ऊपर से मैं उसको ना इधर उधर भेजती नहीं हूँ, और बाहर उसको निकालती नहीं हूँ, ये भी होता है। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं बच्चों के। और घर में बच्चे आते हैं, उन्हीं के साथ खेलता है। मैं अलग से उसको नहीं लेके जाती कहीं पे भी, ना तो मैं जाती हूँ ना मेरा बच्चा जाता है। मुझे पसंद नहीं है कि जैसे बच्चे घूमते हैं ना, वैसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, और ना ही घुमाना, मतलब इधर उधर लोगों के घर में सेपरेट रहना ही मुझे अच्छा लगता है। तो जैसा भी है ठीक है, हम लोग देख लेंगे, कर लेंगे सब कुछ मैनेज। लेकिन बाहर नहीं भेजना है माधव को, क्योंकि बाहर अगर भेजूँगी ना तो फिर दिक्कत करेगा मुझे ही। और मैं इधर मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से थोड़ा सा मैं नेल पेंट लेके आई हूँ, एक नेल पेंट लेके आई हूँ, और एक बिंदी लेके आई हूँ। मुझे चाहिए था, और मुझे बाल बांधने वाला चाहिए था, लेकिन बाल बांधने वाला उसके पास था नहीं, पता नहीं कहाँ उसने रख दिया है। एक वाइट कलर का नेल पेंट लेके आई हूँ, एंड ये मुझे दिया है गिफ्ट में, गिफ्ट पर्पस में। उसने मतलब मेरे चाचा ने बोला है कि इसको यूज़ करके मुझे बताना कि कैसा है, क्योंकि ये जो है ना मैट कलर में है। तो फिर मैंने बोला कि चल दे, फिर मैंने ले लिया। गिफ्ट भी मिल रहा है तो क्यों छोड़ूं मैं। एंड बहुत 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 अच्छा लगा मुझे ये नेल पेंट, सीरियसली बहुत ही। अगर तू मेरा वीडियो देख रहा है ना, तो ये नेल पेंट काफ़ी अच्छा है। मैंने हाथों में थोड़ा सा लगाया था, तो काफ़ी अच्छा जो है ना दिख रहा था मेरा नाखून। और ये ना बहुत मज़े का भी है, मतलब ये मैट टाइप का हो जाता है, काफ़ी अच्छा नेल पेंट है। बाहर देखो मेरे पति देव ने पंखा लगाया है, घर के अंदर गर्मी हो गई है। कूलर लगाया फिर भी गर्मी है, धीरे धीरे ना गर्मी होने लगी है, लेकिन रात को ना बहुत ठंडा हो जाता है। हम लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं, कूलर में इतना ठंड होता है ना, फिर हम लोग कूलर बंद कर देते हैं कभी कभार, तो ऐसा भी होता है। अब इसको जाना है बाहर देखो, और बाहर क्या है ना, सांप वाप का भी डर है, कैसा कीड़ा है क्या नहीं है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, उसको बस गाड़ी लेके भी बाहर जाना है। वैसे सारा दिन गाड़ी घर के अंदर रहेगा, लेकिन चलाएगा नहीं, छुएगा नहीं। जब हम लोग बाहर जाते हैं, तब उसको गाड़ी लेके बाहर जाना होता है, उसको पता है ना कि गाड़ी बाहर चलती है। तो अभी ना मम्मी पापा के लिए भी मैं थोड़ा सा लंच डिनर जो है वो पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद दे रही हूँ उनको। वो मम्मी ना फटाफट से बना लेती है अपना डिनर, तो इसलिए मेरा लेट हो जाता है देते देते।